इस वीडियो में हम ये दिखा रहे हैं, एक प्लास्टिक का हमारे पास कूलर है, उसमें लगे स्क्रू काफ़ी ज़्यादा टाइट है और नॉर्मली ये पेचकस से नहीं खुल रहा। उसके लिए हम किस तरीके से इस जंग खाए जाम स्क्रू को निकाल सकते हैं, वो तरीका टिप्स बताते हैं। जिसके लिए अगर हमारे पास घर में सोल्डिंग आयरन है तो उस सोल्डिंग आयरन को हीट करने के बाद ये जो स्क्रू के ऊपर इस तरीके से रखना चाहिए ताकि ये स्क्रू भी हीट हो और हीट होने के बाद इसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाए। अगर सोल्डिंग आयरन नहीं है तो सिंपल पेचकस को ही थोड़ा सा गर्म करें, गर्म करने के बाद इस पेंच के ऊपर इस तरीके से रखें ताकि पेंच हीट हो जाए और इसकी पकड़ कमज़ोर हो जाए। फिर आप बहुत ही आसान तरीके से प्लास्टिक में जंग खाए हुए जाम स्क्रू को निकाल सकते हो। तो मेरी ये छोटे से टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो लाइक शेयर करना, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।